नाम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह है। वो कहते हैं इस थम में है तलवार मेरे नाम के लिए कोई जगह खाली नहीं। वो हम में है, वो तुम में है, इस थम में है तलवार। जब ये कहा कि खम्मर तलवार में है, तो हिरण्य कश्यप ने गर्म खम्मा में तलवार मारी और वो खम्म फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीव। उस हिरण्य कश्यप को बीच देहरी पे दरबज्जे पे घुटनों पे रख लिया भगवान। और एक एक बात पूछे लगे, कब हिरण्य कश्यप तुमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे, अब हमारी तरफ देख के हमें ये बता हम आदमी या जानवर है। बोले प्रभु हम कैसे कहें कि आप आदमी या जानवर हो, आधा शरीर शेर का है आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, अब हमारी तरफ देख के ये बताओ ये नाखून है या अस्त्र है या शस्त्र है। बोले कैसे बताएं प्रभु के अस्त्र या शस्त्र है नाखून है। तो ये भी कहा ना हम दिन में मरे और ना रात में मरे, अब ये बताइए दिन है या रात है। बोले नहीं नहीं प्रभु, ना दिन है ना रात है, संध्या है, शाम का वक्त है। अब भूलों की तरह भगवान की गोदी में बैठा है। कहा था वो तो कभी कहता है कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को धोती पर, कहा था वो बोल ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी पर, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ले लिया नीच को क्रोध में आए हैं भगवान, जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस हिरण्य कश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया और भाग करके प्रहलाद को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल, बड़ा मुसीबत उठाई तुमने हमारे पीछे, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले प्रभु हम वरदान में कुछ नहीं चाहते, हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और ना कभी दूसरे को लेने दिया, मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे और बोले आज हमारे समझ में आया बेटा, तेरे पिता ने तुझे मानने के लिए क्या नहीं किया और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है कि चंदन की किरची भली और बुगाड़ी भरी भलो न काठ, और सपूत घर कई भलो बे कपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक अच्छा होता है लेकिन कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते हैं। पुत्र जो भी मेरे हाथ से मरता है उसे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। एरज का राजा बना दिया भक्त को और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इस तरह से प्रहलाद ने मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों भक्त हुए भगवान, जिन्होंने भगवान के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया, हजारों तकलीफ उठाने के